सीएम धामी, सुबह 11 बजे तक शासकीय कार्य निपटाएंगे सीएम, जन्माष्टमी कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। मुख्यमंत्री आवास में फॉरेंसिक मूवी टीम के सदस्यों ने की सीएम से मुलाकात, मसूरी देहरादून में हो रही है फॉरेंसिक मूवी की शूटिंग। उत्तराखंड में फिर बढ़ेगा कोविड कर्फ्यू, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के मुताबिक उच्च स्तरीय बैठक में लिया जा सकता है निर्णय। उत्तराखंड में भूस्खलन से बद्रीनाथ गंगोत्री समेत 84 मार्ग बंद, मौसम विभाग के जारी किया अलर्ट, देहरादून और कुमाऊं के कुछ इलाकों में हो सकती बारिश। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार घटी, सैंपलों की जांच का ग्राफ गिर रहा है, 7 दिनों में 62% की आई कमी। हरिद्वार में धूमधाम से मनाई जाएगी जन्माष्टमी, धर्मनगरी में हो रही तैयारियां, बच्चों में दिखाई दे रहा उत्साह। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूँ वंदना पांडे और आप देख रहे हैं की न्यूज़ इंडिया, और खबर देहरादून से है। देहरादून से खबर, उच्च स्तरीय बैठक में प्रतिभाग करेंगे सीएम धामी। देहरादून से खबर बता रहे हैं, 11 बजे से शासकीय कार्य निपटाएंगे सीएम धामी। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में शासकीय कार्य को करेंगे पूरा। वहीं 12:30 बजे से 2 बजे तक शासकीय कार्य को पूरा करेंगे पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी शाम 7 बजे पहुंचेंगे मधुबन होटल। देहरादून से खबर, इस दौरान पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में सीएम धामी करेंगे शिरकत, और चाणक्य वार्ता समूह में शिरकत करेंगे। नई दिल्ली द्वारा की गई है पुस्तक प्रकाशित। वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में भी सीएम हिस्सा लेंगे। देहरादून से खबर, उच्च स्तरीय बैठक में प्रतिभाग करेंगे सीएम धामी। सुबह 11 बजे तक शासकीय कार्य निपटाएंगे पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में शासकीय कार्य को पूरा करेंगे। देहरादून से खबर बता रहे हैं, सीएम धामी शाम 5 बजे पहुंचेंगे मधुबन होटल। इस दौरान पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में सीएम धामी शिरकत करेंगे। चाणक्य वार्ता समूह में नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित पुस्तक का विमोचन करेंगे। उच्च स्तरीय बैठक में प्रतिभाग करेंगे सीएम धामी, और इसी खबर को लेकर हमारे साथ देहरादून से अशोक कुमार जुड़े हुए हैं। अशोक, आज उच्च स्तरीय बैठक में प्रतिभाग करेंगे पुष्कर सिंह धामी, क्या कुछ अपडेट है? देखिए बिल्कुल वंदना, आपको यहाँ पर बता दूं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 11:30 बजे के आसपास जो उच्च स्तरीय बैठक है जो सैन्य धाम के संबंध में रखी गई है उसके में प्रतिभाग करेंगे, और इस दौरान सैन्य धाम की समीक्षा करेंगे। इस बैठक के दौरान पूरी के पूरे जो सैन्य धाम बनाने का जो राज्य सरकार द्वारा लक्ष्य रखा गया है, क्या कुछ रहे, अब तक कार्य हो चुके हैं, और क्योंकि सैन्य धाम एक महत्वपूर्ण घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई थी और जिसको पांचवें धाम के रूप में भी जाना जाएगा, ऐसा त्रिवेंद्र सिंह रावत के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि उत्तराखंड के रह चुके हैं उनके द्वारा ये कहा गया था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज की बैठक ये बताई जा रही है, क्योंकि सैन्य धाम जो है 4 धाम जो यहाँ पर आते हैं उत्तराखंड में, उसके अलावा जो 5वां धाम है ये अब ये सैन्य धाम रहेगा, तो क्योंकि और उत्तराखंड राज्य सैनिक राज्य कहलाए जाने वाला एक राज्य है, तो उसको लेकर आज यहाँ पर समीक्षा होगी, और इस दौरान कितना कार्य अब तक पूरा हो चुका है और राज्य सरकार द्वारा सैन्य धाम को लेकर क्या कुछ इस समय चल रहा है उसकी यहाँ पर समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री जो इससे पहले जो तमाम जो शासकीय कार्य है उसको पूरा करेंगे। इस दौरान लगातार ओवरऑल हम यहाँ पर बात करें तो सीएम जो है शासकीय कार्य पर उनका ज्यादा फोकस रहने वाला है। जैसे ही ये बैठक खत्म होगी उसके बाद जो शासकीय कार्य उनके होने शुरू 12:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक तमाम शासकीय कार्य अपने मुख्यमंत्री आवास में वह पूरा करेंगे, और इसके बाद आज जैसे कि आज हम सब जानते हैं कि जन्माष्टमी है, और इस दौरान पुलिस लाइन में जन्माष्टमी का कार्यक्रम भी रखा गया है। उस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे, और इस दौरान कई प्रस्तुतियां सांस्कृतिक के तौर पर भी पेश की जाएंगी। साथ ही साथ अशोक यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि आज पुष्कर सिंह धामी पुस्तक का विमोचन भी करेंगे, क्या है पुस्तक में और पुस्तक के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी हैं जो पुस्तक के बारे में जानना चाहेंगे।
देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र में वर्तमान पद पर राज्यपाल पद पर जो तैनात हैं, बात करें भगत सिंह कोश्यारी जो कि वहां के गवर्नर हैं, उनके द्वारा ये पुस्तक है, ये और उनका पूरा अभिभाषण है इस पुस्तक में। इस पूरी पुस्तक का लेखा, उनके अभिभाषणों का, उनके अगर हम बात करें राजनीति का पूरा लेखा जोखा है इसमें, तो उन्हीं के अभिभाषणों की जो पुस्तक है उसका आज विमोचन होने जा रहा है। और कल जिस तरह से हमने देखा कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल है उनसे शिष्टाचार भी भेंट की है अपने मुख्यमंत्री आवास में, और यही आज मधुबन होटल में इस पुस्तक का विमोचन भी होने जा रहा है, क्योंकि उनकी पूरी जो गाथा है अगर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि राज्यपाल द्वारा उनकी लिखी गई है, और एक राय क्योंकि एक अपने उनके पुष्कर सिंह धामी के गुरु भी कहे जाते हैं भगत सिंह कोश्यारी, तो उन्हीं के अभिभाषण द्वारा एक एक पुस्तक का विमोचन आज होने जा रहा है होटल मधुबन में। जी अशोक, जिस तरह से आज उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन है और सीएम धामी बैठक करेंगे, तो कौन कौन वो लोग हैं जो बैठक में शामिल होंगे? देखिए, बैठक में जो है सैनिक कल्याण मंत्री जो बात करें यहाँ पर जो कि गणेश जोशी हैं, और तमाम विभागीय अधिकारी हैं वो आज की इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। और इस दौरान बैठक में और ये सब कुछ अधिकारियों द्वारा एक रिपोर्ट पेश की जाएगी कि सैन्य धाम में अब तक कितना कार्य पूरा हो चुका है, और जो सैन्य धाम बनाने के लिए जो जो इसमें कवायद जो रखी गई है कि क्या कुछ इसमें रहेगा, और किस तरह से आने वाले जो युवा पीढ़ी है और उनको जो जो श्रद्धांजलि जिन जो अब तक के उत्तराखंड के जो सैनिक है जो शहीद हो गए उनकी जो यहाँ पे गाथा है जो भी यहाँ पर लाई जाएंगी उनको किस किस तरह से पेश किया जाएगा, और उसको लेकर अब तक के कितनी तैयारियां हो चुकी हैं सरकार द्वारा और अधिकारियों द्वारा अब तक जो उनको दिशा निर्देश दिए हुए गए हैं उस पर किस तरह से काम हो रहा है इसकी आज समीक्षा की जाएगी। जी आज जन्माष्टमी भी है और पुष्कर सिंह धामी जो कि सीएम है उत्तराखंड के वो कार्यक्रम में प्रतिभाग भी करेंगे, क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए वंदना, मैं जैसे आपको पहले भी बताया है कि आज जन्माष्टमी का मौका है और आज इस उपलक्ष्य में पुलिस लाइन में कार्यक्रम रखा गया है, और ये कार्यक्रम एक बहुत ही हर साल की तरह इस साल भी होने जा रहा है ये कार्यक्रम, क्योंकि देखा जाता है कि जिस तरह से एक कई तरह की झांकियां इसमें देखने को मिलती है, और सांस्कृतिक की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो कई तरह की सांस्कृतिक प्रदर्शनी लगाकर पुलिस लाइन में ये कार्यक्रम को बड़ा ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, जिसमें आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने वाले हैं, और तमाम तरह की जो संस्कृतियां हैं और किस तरह से श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ इसमें सब चीज उस संस्कृति के तौर पर यहाँ पर आज दर्शाया जाएगा। जी जी अशोक, पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर यहाँ पर हम देहरादून से बता रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी आज शासकीय कार्य को निपटाएंगे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में शासकीय कार्य को करेंगे, इसके साथ ही वो बहुत सारे कार्य हैं जो पेंडिंग में पड़े हैं उनको पूरा करेंगे। सीएम धामी शाम 5 बजे मधुबन होटल पहुंचेंगे, और इसके साथ ही बता दें आपको कि पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। चाणक्य वार्ता समूह नई दिल्ली द्वारा की गई है पुस्तक को प्रकाशित किया गया है। देहरादून से खबर बता रहे हैं, उच्च स्तरीय बैठक में प्रतिभाग करेंगे सीएम धाम। तो आज पूरे देश में पूरे धूमधाम और उत्साह के साथ जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है, और इसी की बात करेंगे हम गोविंदा आलारे, हरिद्वार से खबर है, आज धूमधाम से मनाई जाएगी जन्माष्टमी। तो आज पूरे देश में धूमधाम से जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है, वहीं हरिद्वार में धर्मनगरी हरिद्वार की बात करें तो यहाँ भी जन्माष्टमी की पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। जन्मदिवस के रूप में मनाई जाती है भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी। बच्चों में भी अलग से एक उत्साह भी नजर आ रहा है, और पूरे जोश और उत्साह के साथ जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में तैयारियां हो रही हैं जन्माष्टमी को लेकर के, बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में आज धूमधाम से मनाई जाएगी जन्माष्टमी। धर्मनगरी हरिद्वार में जन्माष्टमी की तैयारियां हो रही हैं। श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में
मनाई जाती है जन्माष्टमी और आज का पर्व बेहद खास है क्योंकि आज रोहिणी नक्षत्र भी है और अष्टमी भी है। ये दोनों ही शुभ अवसर एक साथ बहुत युगों के बाद आज संयोग से ये दोनों ही चीजें एक साथ मिली हैं और जन्माष्टमी को लेकर बच्चों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। और हरिद्वार से हमारे साथ विकास खरे जुड़े हुए हैं। विकास, आज तो पूरे देश में जन्माष्टमी का पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। बात अगर धर्म नगरी हरिद्वार की करें तो बच्चों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें आज पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। बात हरिद्वार की अगर की जाए तो हरिद्वार में तमाम जो मंदिर है, जो मठ है, वहां पर जो पूरी तरह से फिलहाल मंदिरों को सजाया जा रहा है। हालांकि बखूबी से जो है पूरी तैयारी हरिद्वार में की जा रही है। जो कृष्ण भक्त है वो भी पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से आप सातपुर में तस्वीरों में देखते हैं कि बच्चे जिस तरह से राधा बनकर जो है डांस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसकी भी प्रतिभाग आज वो शाम के टाइम करेंगे क्योंकि जिस तरह से जन्माष्टमी का त्यौहार शाम को मनाया जाएगा कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी धूम हरिद्वार में भी देखने को मिलेगी। और लगातार जिस तरह से तमाम तैयारियां मंदिरों में की जा रही, जो भक्त है उनमें भी खासा उत्साह है क्योंकि आज जिस तरह से सहयोग बना है तो यह काफी समय के बाद बना है तो कहीं ना कहीं जो भक्त आज उनमें भी बेहद खुशी है। और बात हरिद्वार की जाए तो हरिद्वार लगातार जिस तरह जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है हर साल की तरह आज उसी की खुशी में जो है पूरे उसी हर साल की बात भी आज जन्माष्टमी मनाई जाएगी। तो लगातार जो है मंदिरों में जो है इसकी तैयारी चले, मंदिरों को सजावट के साथ सजाया जा रहा है तो लगातार जो कृष्ण भक्त भी है उनमें भी एक काफी उत्साह हरिद्वार में देखने को मिल रहा है। जी विकास, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज दोनों ही संयोग से आज रोहिणी नक्षत्र भी है और इसके साथ ही अष्टमी भी है। ये बहुत ही संयोग से अवसर प्राप्त होता है जन्माष्टमी को लेकर। बिल्कुल, जिस तरह का सहयोग आज बना है, काफी सालों के बाद ये सहयोग बना है तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बात की जाए तो आज और जिस तरह से पूजा की जाएगी तो कहीं ना कहीं एक अच्छी यहाँ पर जो है आज ये दिन माना जा रहा है कि जिस तरह से जन्माष्टमी का सहयोग जो आज बना है काफी वर्षों के साथ बना है तो लगातार हरिद्वार में इसकी तैयारी की जा रही है क्योंकि जिस तरह से आज श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उसको लेकर आज काफी झांकियां हरिद्वार में निकाली जाएगी, काफी संस्कृति प्रस्तुति यहाँ पर दी जाएगी तो ऐसे में लगातार तैयारी की जा रही है। लगातार हरिद्वार के वासी हैं वो भी मंदिरों में जाकर तैयारी कर रहे हैं। और बात की जाती है इस तरह कोरोना काल की बात करें तो उसकी भी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हैं, कुछ जो भक्त है कृष्ण जो भक्त है वो भी अपने घरों में ही आज जन्माष्टमी मनाएंगे तो ऐसे में लगातार तमाम तैयारियां धर्म नगरी हरिद्वार। विकास, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने भी बात कही कि कोरोना काल का समय चल रहा है ऐसे में तैयारियां भी हरिद्वार में की जा रही हैं तो क्या क्या वो व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे कि कोविड गाइडलाइन का पालन भी हो सके और उत्साह भी मनाया जा सके। जी बिल्कुल, देखिए कोरोना का देखते हो कहने के जिस तरह से जो सरकार की गाइडलाइन है उसको देखते उसको ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कृष्ण का जन्मदिन आज मनाया जाएगा। और लगातार जिस तरह से जो है कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए भी जो कृष्ण भक्त हैं वो भी अपने घरों में ही रहकर जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएगा तो ऐसे में जो कृष्ण भक्तों का साफ तौर पर कहना है कि कोरोना की गाइडलाइन का पूरी तरह से फॉलो किया जाएगा ताकि किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत हरिद्वार में ना आए, कोरोना का भय जो ना फैले तो ऐसे में लगातार जो कृष्ण भक्त हैं वो भी हमने घरों में लेकर आज जन्माष्टमी मनाने वाले हैं। जी बात बच्चों की करेंगे तो बच्चे आज किस तरह की प्रस्तुति देने वाले हैं? बिल्कुल, बच्चों की बात करें तो बच्चे भी कृष्ण और कन्हैया राधा के रूप में जो है आज प्रस्तुति देंगे तो ऐसे में तमाम जो तैयारी है वो काफी मंदिरों में काफी मठों में चल रही है तो लगातार जो बच्चे हैं वो भी प्रस्तुति देंगे तो ऐसे में तमाम तैयारियां हैं, जो मंदिर प्रशासन के लोग हैं वो भी बच्चों को तैयारी करा रहे हैं तो बड़ी ही धूमधाम के साथ जन्माष्टमी मनाई जाएगी। बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों में काफी उत्साह है क्योंकि जिस तरह से बच्चे आप देख भी रहे हैं तस्वीरों में कितना उत्साह बच्चों में नजर आ रहा है तो ऐसे में तमाम झांकियां की तैयारी हरिद्वार में की जा रही है। जी हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में और कौन कौन से मंदिर हैं जहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां की जा रही हैं? बिल्कुल, हरिद्वार में अगर मंदिरों की बात करें तो जैसे कि फिलहाल हरिद्वार में कनखल में मंदिर है वहां पर जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत अच्छी धूमधाम के साथ हर साल की साल मनाया जाता है। बात अगर सेक्टर 2 बैचल हरिद्वार की करें तो वहां भी काफी जो है हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। तमाम जो हरिद्वार के मंदिर है उपनगरी कनखल में भी इस तरह से जो है काफी धूमधाम के साथ जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। काफी झांकियों के साथ कृष्ण भक्त बड़ी धूमधाम के साथ नाच गानों के साथ में आज जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया तो लगातार इसको लेकर
पूरे हरिद्वार शहर में जो भक्त हैं उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है जी। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे हरिद्वार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जन्माष्टमी को लेकर धूमधाम मची हुई है, उत्साह देखने को मिल रहा है। और क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? बिल्कुल, कार्यक्रम की अगर बात करो, लगातार जिस तरह से झांकियां निकाली जाती है रोड शो में, रोड शो भी यहाँ पर किया जाता है, लेकिन इस बार जो है उस तरह के रोड शो यहाँ पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह झांकियां निकालकर कृष्ण और राधा के रूप में जो है झांकियां निकाली जाती है, क्योंकि कोरोना का देखते हुए इसी को ही देखते हुए क्योंकि मंदिरों में ही ये जो सिस्टम ओनली किया जाएगा, झांकी को प्रस्तुति दी जाएगी। तो लगातार जिस तरह से कोरोना के गाइडलाइन का फ्लो भी यहाँ पर किया जाएगा ताकि कोरोना के गाइडलाइन की कोई भी धज्जा ना उड़े, तो इस बार जो है मंदिरों में ही ये प्रस्तुति दी जाएगी और जो कृष्ण भक्त है वो भी अपने घरों में रहकर इस त्योहार को मनाया जाएगा जी। विकास, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो खबर देहरादून से, हरिद्वार से बता रहे हैं आपको, जहां पर कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसके साथ ही बच्चों में खास उत्साह नजर आ रहा है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि पूरे देश में जन्माष्टमी का पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पर्व में ये त्योहार मनाया जाता है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गारों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है, मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तरकाशी से खबर है, फार्मासिस्ट श्याम चौहान को मिली जिम्मेदारी, नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी मिली है। उत्तरकाशी से खबर, नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। कोविड-19 में फार्मासिस्ट चौहान ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका, तहसील जिला व राज्य स्तर से चौहान को मिले प्रमाण पत्र। कई किलोमीटर पैदल जाकर बुजुर्गों का वैक्सीनेशन किया और पैरों में जोंक लगने के बाद भी पहुंचे लोगों के बीच, पैरों में चोट लगने के बाद भी लोगों की मदद करने पहुंचे। क्षेत्र के लोग श्याम चौहान के प्रशंसा कर रहे हैं। उत्तरकाशी से खबर, पैरों में चोट लगने के बाद भी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। फार्मासिस्ट श्याम चौहान को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तराखंड में लागू कोविड कर्फ्यू को वर्तमान रियायत के साथ एक हफ्ते आगे बढ़ाया जा सकता है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार सोमवार को होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। वर्तमान में लागू कर्फ्यू की अवधि 31 अगस्त को सुबह 6 बजे समाप्त हो रही है। उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया जा सकता है। देहरादून से खबर बता रहे हैं, कोविड गाइडलाइन को लेकर के फैसला लिया जा सकता है, जो भी कोविड कर्फ्यू बढ़ाया जा सकता है, ऐसा फैसला लिया जा सकता है उच्च स्तरीय बैठक में। अंदेशा जताया जा रहा है कि कोविड कर्फ्यू फिर बढ़ाया जा सकता है।
क्योंकि अभी कोरोना का कहर टला नहीं है, जिसके मद्देनजर उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया जा सकता है और कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया भी जा सकता है। उत्तराखंड में बारिश के कारण उपजी दुश्वारियां कम नहीं हो रही। लगातार हो रहे भूस्खलन के चलते प्रदेश में बद्रीनाथ गंगोत्री हाईवे समेत कुल 84 मार्ग बंद पड़े हैं। आवाजाही पूरी तरह से बाधित होने से कई गांवों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को देहरादून और कुमाऊं के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम से बारिश हो सकती है, जबकि मंगलवार से मौसम फौरी राहत दे सकता है। भूस्खलन से बद्रीनाथ गंगोत्री समेत 84 मार्ग बंद हैं और उत्तराखंड में अभी भी बारिश का कहर बना हुआ है, जिससे कि यातायात बाधित हो रहा है और इसके साथ ही लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भूस्खलन से बद्रीनाथ गंगोत्री समेत कई मार्ग ऐसे हैं जो बाधित हो रहे हैं। और उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही। वीएचपी की फायर ब्रांड नेत्री साध्वी प्राची हरिद्वार पहुंची। हरिद्वार पहुंचकर साध्वी प्राची ने हरिद्वार के नामी व्यवसायी पारस कुमार जैन के बेटे तोष जैन पर अपनी छवि खराब करने का आरोप लगाया। व्यवसायी तोष जैन और उनके पार्टनर यशपाल तोमर के बीच हुई कॉल रिकॉर्डिंग जारी करते हुए साध्वी प्राची ने तोष जैन द्वारा झूठा मुकदमा दायर कर अपनी छवि खराब करने का आरोप लगाया। इस दौरान साध्वी प्राची में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी इस मामले की जल्द से जल्द बारीकी से जांच कराने की मांग की। वहीं न्याय न मिलने पर जल समाधि लेने की चेतावनी भी साध्वी प्राची ने दी। ऑडियो है, मैं आप सबको ऑडियो दूंगी उनकी, और दो दिन तक कभी कहा उसके विषय में चर्चा करनी। एक हरिद्वार के तोष जैन नाम के व्यक्ति ने मेरी छवि खराब करने की कोशिश की है। स्वयं तो मुझे गौशाला के लिए जगह दी है, पहले वसीयतनामा किया, फिर एग्रीमेंट किया और फिर उसके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से पता चला मुझे कि उसने कैंसिल कर दिया, जबकि मैंने उसमें कुछ कार्य भी कराया है। और कुछ दिन पहले इनके जो पार्टनर थे तोष जैन के, यशपाल तोमर भाई, इनकी मीटिंग थी, उसने खुद बुलाया तोष जैन ने, जो कि मैंने ऑडियो सभी पत्रकारों को दिया है, अभी खुद बुलाया। 3 दिन तक ये बैठे रहे, कभी बहाना करते रहे और उसके बाद घर बुला करके साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत इन पर मुकदमा करने की मुकदमा किया। खबर देहरादून से है, जहां आम आदमी पार्टी प्रदेश कार्यालय में आप प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली और केदारनाथ विधानसभा प्रभारी सुमंत तिवारी ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर देवस्थानम बोर्ड के नाम पर तीर्थ पुरोहितों और हक हकूकधारियों के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान पत्रकार वार्ता में नवीन पिरसाली ने कहा कि उत्तराखंड सरकार देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। लंबे समय से तीर्थ पुरोहित इस बोर्ड के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार तीर्थ पुरोहितों के आंदोलन के बावजूद अभी भी कमेटी बनाने की बात कर रही है। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देवस्थानम बोर्ड को लेकर है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ढीला रवैया अपना रही है, उसके विरोध में आम आदमी पार्टी मांग कर रही है कि देवस्थानम बोर्ड को तत्काल भंग किया जाए, अन्यथा इस बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी जल्दी ही पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन पढ़ी जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया का वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512-239-0031 और 0512-239-0032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। मुरादाबाद में पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के बाद मुरादाबाद में अलर्ट जारी। कालागढ़ डैम का जलस्तर 35,491 मीटर पहुंचा। कालागढ़ डैम की क्षमता 35,500 मीटर है। डैम में पानी बढ़ने